नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के थ्रू मैं आपके सामने स्त्रीधन के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया हूं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्रीधन, व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्त्रीधन, स्त्रीधन में किन किन एसेट्स को या किन किन अमाउंट्स को शामिल किया जा सकता है, एंड इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों स्त्रीधन को किस नजरिए से देखा जाता है। तो आइए इन्हीं बिंदुओं पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने मीनिंग ऑफ स्त्रीधन रख रहा हूं कि स्त्रीधन शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, स्त्री एवं धन, यानी किसी भी वुमेन का जो एक्युमुलेटेड वेल्थ है या जो उनके पास में संपदा है, दैट विल बी टर्म्ड एज स्त्रीधन। अब ये जो स्त्रीधन है सर, वो उस महिला को पूरी लाइफ टाइम में अलग अलग समय पर मिलता रह सकता है, यानी जब वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, या जब उनकी शादी का समय है, या जब उनके कोई बच्चा हुआ, या किसी परिस्थिति में अगर वैधव्य काल है यानी विडोहुड है और उस दौरान भी कोई संपत्ति मिलती है, तो ये सारी संपत्तियां मिलकर के उस महिला के लिए स्त्रीधन कहलाती हैं। यानी किसी लेडी के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर मैरिज, बिफोर हर मैरिज एंड बिकॉज ऑफ सम विडोहुड, वॉट एवर शी रिसीव्स आइदर एज अ गिफ्ट और मे बी बिकॉज ऑफ हर इनहेरिटेंस और मे बी बिकॉज ऑफ सर्टेन पर्टिकुलर अर्निंग्स ऑफ हर ओन, ऑल दीज थिंग्स कुमुलेटिवली विल बी टर्म टू बी स्त्रीधन इन द हैंड्स ऑफ दैट लेडी। अब एक और पॉइंट जो आपके दिमाग में आएगा कि भाटिया जी, स्त्रीधन में और डाउरी में क्या फर्क है? बेसिकली सर, मैं ये कह सकता हूं विथ फुल कॉन्फिडेंस कि डाउरी या दहेज एक नेगेटिव टर्म है, लेकिन स्त्रीधन इज नॉट एट ऑल अ नेगेटिव टर्म। अगर मैं इसी को और शब्दों में बोलूं तो ऐसे बोलूंगा कि स्त्रीधन डिफर्स फ्रॉम डाउरी इन द वे दैट इट इज द वॉलेंट्री गिफ्ट्स गिवन टू अ वुमेन बिफोर और आफ्टर हर मैरिज एंड हैज नो एलिमेंट ऑफ कोअर्शन, यानी किसी भी प्रकार का दबाव स्त्रीधन में शामिल नहीं है। ठीक है, डाउरी के अंदर नेगेटिव शब्द है, मैं बोला आपको वुमेन हैव एन एब्सोल्यूट राइट ओवर देयर स्त्रीधन, और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, कि जो भी महिला है उनका अकेला राइट होता है उनके अपने स्त्रीधन पे। अपनी बात को और पुख्ता तरीके से आपके सामने रखने के लिए सर, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार का एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेंट आया, अ हिंदू मैरिड वुमेन, एक बात दोस्तों यहां जोड़ना चाहूंगा कि स्त्रीधन का कॉन्सेप्ट हिंदू लॉ में एप्लीकेबल है, यानी मैं दूसरे रिलीजन के लिए यहां पर स्त्रीधन के कॉन्सेप्ट को नहीं डिस्कस कर रहा। बेसिकली मेरा डिस्कशन आज का जो है वो हिंदू महिला के लिए लागू होता है। अ हिंदू मैरिड वुमेन इज द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ हर स्त्रीधन प्रॉपर्टी एंड कैन डील विद इट इन एनी मैनर शी लाइक्स, जैसा चाहे वो अपने स्त्रीधन को डील कर सकती हैं, एंड इवन इफ इट इज प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ हर हस्बैंड और हर इन लॉज, दे वुड बी डीम्ड टू बी ट्रस्टीज एंड बाउंड टू रिटर्न द सेम इफ एंड वेन डिमांडेड बाय हर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सर, कि कई बार किसी परिस्थिति में अगर कोई विवाह का संबंध विच्छेद होता है, यानी कोई शादी टूटती है अनफॉर्चुनेटली, तो ऐसी परिस्थिति में उस महिला के जो स्त्रीधन था, जो उस विवाह को अब अलग हो रही हैं, वो स्त्रीधन लौटाने की जिम्मेदारी उनके हस्बैंड की और उनके इनलॉज की है, क्योंकि देवर होल्डिंग ऑल दोज एसेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लेडी इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ ऑनर। यहां दोस्तों मैं आपके सामने बात कर रहा हूं अब व्हाट कुड बी द वेरियस सोर्सेज ऑफ स्त्रीधन, स्त्रीधन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। और सबसे पहले एज पर सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय अ वुमेन फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज इज हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी अनलेस कॉन्ट्रेरी इज मेंशन्ड इन द टर्म्स ऑफ डिवाइस, गिफ्ट, डिक्री, ऑर्डर और अवार्ड। ठीक है, जब तक विपरीत रूप से न लिख दिया गया हो ऐसे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जिसके थ्रू उन तक वो प्रॉपर्टी आ रही है, तब तक उस प्रॉपर्टी की रिलेवेंट जो हिंदू महिला है वो उनकी एब्सोल्यूट ऑनर कहलाएंगी। क्या क्या एसेट हो सकती हैं? इट कुड बी गिफ्ट ऑफ मूवेबल इमूवेबल बोथ बिफोर हर मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज हर एक्सक्लूसिव शेयर ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, अगर संपत्तियों का विभाजन हो रहा है और इस दौरान महिला को कोई पर्टिकुलर शेयर मिलता है संपत्ति विभाजन पर, तो वो भी उनका स्त्रीधन कहलाएगा। प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय हर एज कंसिडरेशन फॉर एनी कॉम्प्रोमाइज, किसी प्रकार का समझौता अगर
होता है एक महिला के बीच में, परिवार के बीच में, या महिला है उनके पति या अन्य रिश्तेदारों के बीच में, तो जो संपत्ति आएगी वो भी स्त्रीधन का हिस्सा कहलाएगी। इसी में कुछ और सोर्सेस देखिएगा, प्रॉपर्टी अर्न एंड एक्यूमुलेटेड बाय सर्विस, प्रोफेशन, बिजनेस एक्सेट्रा। अगर कोई महिला नौकरी कर रही है या किसी प्रकार का पेशेवर कार्य करती है या अपना व्यापार चलाती है, उससे जो संपत्ति वो बनाती है या जो मनी वो अर्न करती है वो उनका स्त्रीधन कहलाएगा। प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन लियू ऑफ मेंटेनेंस, अगर उन्हें कोई प्रॉपर्टी उनके मेंटेनेंस के पर्पजेस से मिलती है वो भी उनका स्त्रीधन का हिस्सा है। प्रॉपर्टी परचेज फ्रॉम हर ओन स्त्रीधन, ऐसी संपत्ति जो अपने स्त्रीधन से बनाती है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ वुमन, अगर किसी महिला को कोई संपत्ति उत्तराधिकार में मिलती है हिंदू महिला को, वो स्त्रीधन का हिस्सा है। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन एनी अदर मैनर, प्रॉपर्टी रिसीव अंडर डिक्री, अवार्ड एक्सेट्रा। ये सब कुछ उदाहरण थे दोस्तों जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता था कि स्त्रीधन में क्या क्या तरीके से संपत्तियां आ सकती हैं या होल्ड की जा सकती हैं। अब मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रख रहा हूं सर, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्रीधन एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स लॉ और नॉट, क्योंकि मैं छोटा मोटा इनकम टैक्स पर ही चर्चा कर पाता हूं दोस्तों, तो मेरी कोई भी चर्चा हो वो घूम फिर करके इनकम टैक्स की ओर आती है। तो मैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने पहला पक्ष रखता हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लबिंग। ये क्लबिंग का पॉइंट क्या है सर, मैं एक उदाहरण से रखता हूं कि मान लीजिए मैंने अपनी श्रीमती जी को कोई 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और वो 25 लाख रुपए मैंने उन्हें गिफ्ट दे दिए। अब वो 25 लाख रुपए पर उनको कोई एफडी का इंटरेस्ट इनकम साल का 2 लाख रुपए आता है। सर क्या ये 25 लाख रुपए जो मैंने उन्हें विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट कर दिए ये अब उनके स्त्रीधन का हिस्सा है? बोला जी हां 100% दिस इज हर स्त्रीधन, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये स्त्रीधन का हिस्सा है तो इनकम उनके हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, मेरे हाथ में क्यों टैक्सेबल हो रही है? क्योंकि इनकम टैक्स लॉ कहता है सेक्शन 64 कि अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट अपनी वाइफ को कोई पैसा ट्रांसफर किया है, कोई संपत्तियां दी हैं, तो उस पैसे से या उस संपत्ति से होने वाली इनकम ट्रांसफरर स्पाउस के हाथ में टैक्सेबल होगी। यानी इनकम टैक्स लॉ ये तो नहीं कह रहा कि मैंने मेरी श्रीमती जी को जो एसेट दी है उनका ऑनर मैं ही हूं, वो इस पर चर्चा नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि उस संपत्ति से जो मेरी श्रीमती जी को जो इनकम होगी वो इनकम उनके हाथ में ना टैक्सेबल होके मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए मेरी माताजी यानी मेरी मदर, शी हैज ट्रांसफर्ड सम 10 लाख रुपीज एज गिफ्ट टू माय वाइफ, देन वेदर सच अ गिफ्ट वुड फॉर्म पार्ट ऑफ हर स्त्रीधन, यस वो मेरी वाइफ का स्त्रीधन है। लेकिन मेरी वाइफ को अब इस 10 लाख रुपए से मान लीजिए साल में 80,000 का ब्याज आता है, तो दैट 80,000 वुड बी अगेन गोइंग बैक फॉर टैक्सेशन इन द हैंड्स ऑफ माय मदर, बिकॉज अगर फादर इन लॉ ने, मदर इन लॉ ने अगर अपनी बहू के नाम पर कोई संपत्ति दी है, सन्स वाइफ के नाम पर कोई संपत्ति दी है विदाउट कंसिडरेशन, तो ऐसी परिस्थिति में जो बहू को इनकम आती है वो वापस से टैक्स होने रिलेवेंट फादर इन लॉ या मदर इन लॉ के हाथ में आती। दिस डज नॉट मीन कि वो एसेट स्त्रीधन का हिस्सा नहीं होगी, स्त्रीधन का हिस्सा होगी, परंतु क्लबिंग के प्रावधान अट्रैक्ट होंगे। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं सर कि अगर कोई महिला अपनी स्वयं की आय से या स्वयं की आय के स्रोत से ही किसी प्रकार से स्त्रीधन बनाती हैं और उस स्त्रीधन से उनकी कोई इनकम होती है, तो वो इनकम उस महिला के स्वयं के हाथ में टैक्सेबल होगी, उनके हस्बैंड के हाथ में या किसी प्रकार से उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के हाथ में टैक्सेशन होने के लिए नहीं जाएंगी। आई होप दोस्तों स्त्रीधन के विषय पर बनाई गई ये वीडियो आपको उपयोगी लगेगी। यदि आपके कुछ क्वेरीज हो स्त्रीधन रिलेटेड आप मुझे लिखें, मैं अपनी ओर से जो भी उसका उपयुक्त आंसर ढूंढ करके आप तक पहुंचा सका जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।